नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 41,041 की और बैंक निफ्टी 41,000 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब रहा। फ्राइडे के सेशन में जो हमें बढ़त देखने को मिली थी वो सिर्फ 41 पॉइंट की ही अप मूव यहाँ पे हमें देखने को मिली थी। और ध्यान से देखेंगे ना तो फ्राइडे के सेशन में जो कैंडल बनी है ना वो कैंडल शूटिंग स्टार कैंडल है और शूटिंग स्टार एक निगेटिव कैंडल है। निगेटिव कैंडल भी कहाँ पर बनी है, बिल्कुल टॉप पर जाके। टॉप मतलब जो इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू हम पिछले 5 बार 6 बार से टेस्ट कर रहे हैं लेकिन अभी ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहे, उसी ट्रेंड लाइन के आसपास में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बनी, यहाँ पे एक लॉन्ग लेग दोजी बनी, फिर से वापस यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी और यहाँ पे देखेंगे तो एक शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पर बनी और वापस जाके इस जगह पर फिर से ये शूटिंग स्टार कैंडल ही बनी है और बिल्कुल परफेक्ट जगह पर बनी है। यानी इस ट्रेंड लाइन को हम क्रॉस नहीं कर पा रहे, मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको आँख बंद करके सेल नहीं करना है। एक यहाँ पर आपको कैंडल मिल चुकी है शूटिंग स्टार की कैंडल, लेकिन जो मार्केट का मूड है यहाँ पर देखेंगे इस ट्रेंड को ध्यान से देखिएगा, अभी तक पिछली बार हम कहीं पर भी पिछले हाई को हम क्रॉस नहीं कर पा रहे थे और यहां पे ब्रेकआउट हर बार ये फेल हो जा रहा था। यहां पे देखिए बहुत अच्छा खासा हमने कंसोलिडेट किया, 8-10 दिन यहां पे कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेशन के बाद जो मैंने लेवल आप लोगों को बताया था 41,122 उसके ऊपर निकलेगा तो हमारा टारगेट 41,888 और 40,888 और 41,222 का, तो वो टारगेट यहां पे अचीव हो गए। और टारगेट अचीव होने के बाद बिल्कुल परफेक्ट जगह पे यहां पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। ध्यान रखिएगा, शूटिंग स्टार का मतलब ये नहीं कि शूटिंग स्टार कैंडल बन गई है तो यहां पे हमें सेल कर देना है। इंट्राडे में एक मूवमेंट हो सकता है कि मार्केट अभी रीटेस्ट करे अपने ब्रेकआउट लेवल को, हो सकता है। देखिए मार्केट की 40,400 40,300 के पास आए अपने जो ब्रेकआउट इसने किया था, इस ब्रेकआउट को रीटेस्ट करे और रीटेस्ट करने के बाद यहां से ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करे। अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को एक आध दिन होल्ड करता, यानी एक आध दिन और यहाँ पे टाइम बिताता, जैसे यहाँ पे टाइम बिताया था ना, ये टाइम बिताता और टाइम बिताने के बाद ये एक दिन अगर मंडे के सेशन में और इसी जगह पे कहीं पे रुकता है तो हमारे लिए कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ये यहाँ से ऊपर की साइड में निकलेगा या नीचे एक बार आपको 500 से 700 पॉइंट का यहाँ पर करेक्शन मिलेगा। लेकिन जैसे RBI पॉलिसी में RBI ने बिल्कुल रेट यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया नहीं, उसके बाद में भी मार्केट में वो मूवमेंट नहीं दिखी जो मुझे चाहिए थी। मार्केट कम से कम इस फ्लो में मार्केट कम से कम 400 साढ़े 400 का अप मूव दिखा के यहाँ पे इसको क्लोज करना चाहिए था, क्योंकि ये सरप्राइज था मार्केट के लिए। ये शॉक नहीं है, ये सरप्राइज है कि सब लोग ये मान के बैठे थे कि 0.25 तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लगभग 90-95% लोग ये मान के चल रहे थे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बढ़ा नहीं, उन्होंने होल्ड किया है और उसके बाद में भी मार्केट में वो मूवमेंट दिखी नहीं। देखिए मार्केट बहुत अच्छा मूव कर रहा था लेकिन ये इंटरेस्ट रेट वाली खबर के बाद एक मूवमेंट हमें मिला, लेकिन उस मूव में मार्केट गया नहीं ऊपर की तरफ। यहाँ पे जाने के बाद सप्लाई आने लगी और सप्लाई आके हमने क्लोज किया कहाँ पे 41,000 के आसपास, सिर्फ 41 पॉइंट प्लस में जाके हमने यहाँ पे क्लोज किया है। तो ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे निगेटिव दिखा रहा है कि इतनी अच्छी खबर आने के बाद में मार्केट उसको अच्छा मान के ही नहीं चल रहा, यानी बैंक निफ्टी ने उसको अच्छा माना ही नहीं और नीचे आके इसने क्लोज किया ऐसी कंडीशन में। तो यहाँ पे अगर मुझे तो लग रहा है इंटरेस्ट रेट आ जाता तो शायद अच्छा खासा मार्केट या अपने आप को होल्ड करता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन इंटरेस्ट रेट पॉज होने के बाद में भी मार्केट यहाँ पर ऊपर की साइड में मूवमेंट नहीं किया है। तो अब हमारी नज़र यहाँ पर होनी चाहिए। देखिए मैं कंटिन्यू 2 दिनों से आप लोग को बता रहा हूँ कि 40,811 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। देखिए मैंने कल के सेशन में यानी गुरुवार के सेशन में आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले चैनल पे एक वीडियो डाली है कि आप लोग के सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन कैंडलस्टिक क्यों फेल होती है, जाके वहाँ पे देखिएगा। ये बिल्कुल परफेक्ट जगह पे कैंडलस्टिक बनी है। लॉन्ग टर्म का क्या है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म पे यहाँ पे रेजिस्टेंस है। इस जगह पर हम अभी बाइंग के मूड में नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बाइंग के मूड में कब तक नहीं है, जब तक ये इस लेवल को यानी 222 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा 41,222 के ऊपर क्लोज करेगा तभी यहां पे बायर एक्टिव होंगे, नहीं तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर यहां पे बन सकता है या यहां पे पॉज हो सकता है, मार्केट यहां पे रुक सकता है। हो सके ये 40,500 से लेकर के 41,000 के बीच में कहीं पे एक आध दिन होल्ड करे। तो यहां पे आप नजर बना के रखिएगा कि बाइंग साइड वाली अगर आपको पोजीशन लेके जाना है, आपके पास पोजीशन है तब तो कोई बात नहीं, पोजीशन है तो आपका SL जो होना चाहिए 40,700 का लगा लीजिएगा अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है यहां पे। तो लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आपका जो SL होगा वो ब्रेकआउट लेवल के आसपास होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का व्यू है तो 40,700-750 का यहां पे लगा लीजिए। लेकिन अगर आपको फ्रेश खरीदारी करनी है तो अब आप 41,222 को ऊपर निकलने दीजिए या फिर देखिए कि 40,811 के पास आके ये किस तरीके से ट्रेड करता है। मान लीजिए 40,000 के आसपास आता है, यहाँ पे टाइम बिता के ऊपर की साइड में निकलता है तो फिर शायद हम
700 का स्टॉप लॉस लगा के एक मूव के लिए प्ले कर सकते हैं, फिर हमें लगेगा कि शायद इस लेवल को हम क्रॉस कर जाए। लेकिन जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं हुआ तब तक आंख बंद करके यहाँ पे बाइंग मत करो, क्योंकि आप इसी जगह पे बाइंग करोगे और ट्रैप होगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल है। ध्यान रखिएगा मार्केट ऊपर की साइड में, लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है। देखिए शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसको हम पिछले 6 महीने 7 महीने से कंटिन्यू इसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा जैसे इस लेवल को हम क्रॉस करके ऊपर क्लोज करेंगे एक बड़ी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, और फिर ये टारगेट यहाँ पे 42,000 उसके बाद 43,000 ऐसे मूव, बड़े बड़े मूव यहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए अब 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि मंडे के सेशन हम इसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो गए। अब यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे देखिए, 15 मिनट के चार्ट पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल कंटिन्यू यहाँ पे प्राइस एक्शन बनते हुए जा रहा है। कंटिन्यू कहीं पर भी डरने की जरूरत नहीं, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आप लोग को बताया था, समझाया था, सिखाया था, तो चीज़ों को ध्यानपूर्वक जरा देखिए। अब यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू आप देखिए तो यहाँ पे प्राइस एक्शन बिल्कुल कंटिन्यू ऊपर की साइड में चल रहा है। अब यहाँ पे जो फ्राइडे का गुरुवार का जो मूव आया आरबीआई पॉलिसी के बाद, एक अच्छा खासा मूव आया। मूव आने के बाद में यहाँ पे देखिए प्राइस एक्शन जो बन रहा है 15 मिनट के चार्ट पे, वो यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा है। अभी तक हमारा प्राइजेक्शन अपसाइड का बन रहा था, कंटिन्यू हम ऊपर जा रहे थे। अब यहाँ पे पहली बार यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 15 मिनट के चार्ट पे यानी शॉर्ट टर्म चार्ट पे यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा प्राइजेक्शन यहाँ पे नीचे की साइड का डाउन मूव का बन रहा है। लेकिन डाउन मूव के लिए मैं यहाँ पे वेट करूंगा इस लेवल का, यहाँ पे ये जो कंटिन्यू जो हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया है ना 800-811 वाला जो मेरा लेवल है, इस लेवल के पास ध्यान रखिएगा, या फिर एक क्लोजिंग होने देंगे हम यहाँ पे 40,850 के नीचे 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज होने देंगे। ध्यान रखिएगा अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पे अगर हमें देखना है तो डायरेक्ट हमें देखना चाहिए 40,811, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा हमारे लिए इंट्राडे के लिए कि यहाँ पे आके बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास में क्या करता है। अब जो मंडे के सेशन की बात है तो मंडे के सेशन में मैं यहाँ पे एक चीज़ देख सकता हूँ कि मंडे के सेशन में अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, ध्यान रखिएगा फ्लैट ओपनिंग का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हम 41,000 से लेकर के 41,200 के बीच में कहीं पे ओपन होते हैं, और यहाँ पे नीचे की साइड में अगर मैं 40,900 के लेवल 944 के लेवल को बैंक निफ्टी ब्रेक करता है, 40,944 के लेवल को बैंक निफ्टी ब्रेक करता है, तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट साइड की पोजीशन छोटी क्वांटिटी में, कितनी क्वांटिटी ट्रेड करनी है मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उसको जाकर के देख लीजिए। तो यहाँ पे मेरा जो टारगेट होगा 40,833 का पहला होगा। अगर ये 40,811 को ब्रेक करके कंटिन्यू ट्रेड करता है तो फिर मेरा टारगेट यहाँ पे रहेगा 40,699 का, और लास्ट टारगेट होगा 40,533 का। तो ये तीन टारगेट बैंक निफ्टी में आपको नीचे की साइड में दिख सकते हैं अगर ओपनिंग फ्लैट होती है। ध्यान रखिएगा ओपनिंग अगर इस रेंज के बीच में होती है 5-7 मिनट के बाद में, अगर ये 944 के लेवल को ब्रेक करता है तो 833 फर्स्ट टारगेट होगा, 699 यहाँ पे सेकंड टारगेट होगा, और थर्ड टारगेट मेरा यहाँ पे होगा 533 का, यानी 533 का। ऊपर की साइड के लिए मैं वेट करूँगा थोड़ा सा, मैं ये वेट करूँगा कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा गैप डाउन अगर मिल जाए 800 के आसपास, और यहाँ पे अगर ये कंसोलिडेट करता है 20-25 मिनट, और कंसोलिडेट के बाद अगर ये ऊपर निकलता है तब यहाँ पे मैं बाइंग इंटरेस्ट थोड़ा सा यहाँ पे दिखाऊंगा, लेकिन क्वांटिटी को कम रखूंगा। ध्यान रखिए क्वांटिटी को यहाँ पे थोड़ा सा कम रखूंगा, क्योंकि प्राइस एक्शन निगेटिव बनने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट होकर ये ऊपर की साइड में निकलेगा, तो यहाँ पे टारगेट फिर से आपको 933, अगर ये 800 मान लीजिए 750 और 800 की रेंज में कोई बनाता है, यहाँ पे रेंज बनाता है, उसके बाद जो टारगेट यहाँ पे रहेगा वो रहेगा 955 का, और सेकेंड टारगेट होगा 122 का, यानी 41,122 का, और ये होगा 40,955 का, और थर्ड टारगेट होगा 41,233 का। ये टारगेट यहाँ पे निकल के आएंगे अगर ये नीचे से कंसोलिडेट करके निकलता है तो। ध्यान रखिएगा अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं यहाँ पे कंसोलिडेट करते हैं, और कंसोलिडेशन के बाद में नीचे की साइड में ब्रेकआउट करते हैं, नीचे की साइड में अगर ब्रेकआउट करते हैं तो एक मूवमेंट आपको नीचे की साइड का यहाँ पे मिलता हुआ दिखेगा। मान लीजिए हम यहाँ पे गैप डाउन ही अगर 300-400 पॉइंट हो जाते हैं, मान लीजिए 40,700-800 के बीच में, तो यहाँ पे फिर से वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे आके इमीडिएट कोई ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ पे हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे 700 के आसपास में। और यहाँ पे मेरा भी ये रहेगा कि 300 पॉइंट गैप डाउन के बाद में जिन लोगों ने ये मिस किया होगा ना, शायद वो लोग यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए आएंगे, तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे वेट करके देखूंगा कि क्या बायर एक्टिव होते हैं या सेलर एक्टिव करते हैं। अगर सेलर एक्टिव होंगे तो यहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी साथ में मैं जाऊंगा, अगर बायर एक्टिव होते हुए दिखेंगे तो मैं थोड़ी सी क्वांटिटी यहां पे ज्यादा प्लान करूंगा। ज्यादा का मतलब ये नहीं कि मैं फुल क्वांटिटी, यहां पे मैं 50%। ये ऐसी जगह पे है ना जहां पे बैंक निफ्टी आपको यहां पे कंफ्यूज करेगा, तो ये ध्यान रखिए क्वांटिटी यहां पे कम लेके ट्रेड करेंगे। एक बार 222 के ऊपर ये होल्ड करने लगा और ये टिकने लगा तो यहां पे बड़ी क्वांटिटी फिर मैं अपसाइड के लिए ट्रेड करूंगा। एक बार 800 के नीचे अगर शूटिंग स्टार के नीचे कंटिन्यू ये ट्रेड करने लगा और वहां पे होल्ड करने लगा तो फिर नीचे की साइड में क्वांटिटी ट्रेड करूंगा, लेकिन वो 50% क्वांटिटी यहां पे ट्रेड करूंगा। मान लीजिए अब यहां से गैप
अप ओपन हो जाते हैं 41,300 के पास में, और यहाँ पे अगर 5-10 मिनट हम होल्ड कर लेते हैं ना, तो फिर टारगेट यहाँ पे 41,488 के टारगेट भी ये लेके जा सकता है अगर यहाँ से बैंक निफ्टी 200-250 पॉइंट गैप अप ओपन होता है, और गैप अप ओपन होने के बाद में ये अपने लेवल को होल्ड करता है तो फिर टारगेट आपको ये वाले दिख सकते हैं बैंक निफ्टी में। बेस्ट सिनारियो हमारे लिए ये है कि मार्केट देखो अभी इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू रिस्पेक्ट कर रहा है, ध्यान से देखना आप ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है तो इसी जगह पे कहीं पे ओपन हो अगर 950 को ब्रेक करेगा तो एक मूवमेंट हमें मिलेगा। देखिए बड़े मूव के लिए मत जाइएगा, एक मोमेंटम आपको मिलेगा वो 100 पॉइंट 120 पॉइंट 80 पॉइंट उस फ्लो में जहां तक जाएगा ना वही लेके रखिएगा। उसके बाद हमारे लिए जो 800-811 वाला लेवल है 750 से 800 ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा, तो यहां पे हम देखेंगे बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।